तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक फाइनली और वीडियो के साथ आ चुका हूँ वापस। और आज की इस वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख के जान लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अभी आप से पूछा जाए कि आप अपने मोबाइल में सबसे ज्यादा किस एप्लीकेशन के ऊपर भरोसा करते हैं, किसके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन पे, तो आप बोलेंगे गूगल की बनाई हुई एप्लीकेशन पे। लेकिन यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि गूगल के भी बनाई हुई एप्लीकेशन ऐसी घटिया हरकत कर सकती है, तो आप कतई भरोसा नहीं कर सकते। जी हाँ, आज मुझे एक एक्चुअली 2 दिन पहले मुझे एक एप्लीकेशन मिला था। मैं उस टाइम पे यूट्यूब ओपन कर रहा था, वो पे होम पेज पे स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तभी मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है, आपने जिसे थंबनेल में देखा होगा, और एडवर्टाइजर को कुछ इस तरह से आइकन दिखा मुझे, मुझे काफ़ी मतलब गंदा फील हुआ और मुझे लगा ये काफ़ी गलत चीज़ हो रहा है जो भी हो रहा है। तो वहाँ पे मुझे जब मैं उस सब चीज़ पे क्लिक किया जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा था, मैं उस एड पे क्लिक किया और रिएक्ट करने का, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया मुझे प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया गया कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, क्यों? क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी रिसर्च करके, मैंने तो मतलब मेरा तो काम ही है कि दो उसके बारे में सावधान करना था कि इसी हरकत के चक्कर में ना पड़े और मोबाइल अपने कोई भी ऐसा आलतू फालतू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब डाउनलोड ना कर ले, ताकि जिसमें मालवेयर वगैरह हो और वायरस वगैरह का खतरा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के दौरान एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे मतलब इतने सारे मॉलवेयर एक साथ में, इतने सारे उसमें एडवर्टाइजर आने लगे, इतने सारे एड, वो जिस काम के लिए एप्लीकेशन दिखा रहा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब उसमें बहुत सारे लोग ऐसी एड देख के क्लिक करते हैं और वैसी मतलब जो बैंकिंग वगैरह रहते हैं उनके पर्सनल डिटेल वगैरह बहुत सारी ऐसी डिटेल में चली जाती है सामने वाले पर्सन के पास जो एप्लीकेशन इसका वैसे बनाता है, और ऐसी जो है मालवेयर एप्लीकेशन बना के आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देता है। ऐसे आप थंबनेल देख के जल्दी से क्लिक करते हैं और आपके ऐसे फ़ोन में आलतू फालतू के एप्लीकेशन और मालवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको ऐसी एप्लीकेशन को कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आपको, हम आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है, हम आपको आपके सामने एक प्रैक्टिकली ओपन करके दिखाने वाले हैं उस एप्लीकेशन से हुआ क्या, क्या जिस एप्लीकेशन का वो एडवर्टाइजिंग दिखा रहा था कि मेरा पति कुछ ऐसा विदेश में ऐसा कुछ दिखा रहा था, तो क्या ऐसा वो वर्क करता है या नहीं करता है। चलिए उस ट्रिक को देखते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते आपके, हालांकि मैंने देख लिया है बट आपको भी एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन के चक्कर में आप लोग बहुत बार फंस जाते हैं। चलो हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो देखते रहो वीडियो और वीडियो पूरा देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे लोगों से हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो को शेयर भी अपने रिलेटिव के साथ जरूर करना। तो चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं अपने मोबाइल की। तो गाइस, अभी हमने उस अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं, और स्क्रीन पे आने का सबसे पहले हम उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ था 3-4 दिन से। मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से काम कर रहा है। जैसे हमने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और एक क्या उस जो जिस चीज़ के लिए दिखाया गया था, क्या वो काम करता है कि नहीं करता है, आप देख लेना खुद ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कुछ इतना एड आ रहा है, हम इस एड को क्लोज करते हैं, शायद दूसरी बार आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस एड को क्लोज किया और हमारा जो है फायरफॉक्स जो है ब्राउज़र ओपन कर दिया। जी हाँ, तो आपने देखा कि जिस एप्लीकेशन को उसमें दावा किया जा रहा था कि मेरा पति विदेश में ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे फेसबुक ज्वाइन करने के लिए डिरेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने का यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से इसको बैक करता हूँ, मैं वापस मुझे डिरेक्ट कर दिया, एक बार फिर से क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे एडवर्टाइजर दिखा रहा है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाता है SEX वीडियो प्लेयर, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बोल जाता है कि आप अलाउ SEX वीडियो टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल्स ऑन डिवाइस। मतलब वो बोल रहा है कि आप अपने मोबाइल के जो है फोटो वीडियो या फिर फाइल वगैरह का मुझे एक्सेस करने का परमिशन दो। कोई बात नहीं, जब मैं तुझे अलाउ करता हूँ, अलाउ किए तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको ओपन कर लेते हैं इसके बाद भी। तो ये बोल रहा है कि भाई एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ये एक और ऐड आ गया, फेसबुक का फिर से ऐड आया। तो ये देख सकते हैं ये हमारे ही फ़ोन का एप्लीकेशन जो है जितने भी फोल्डर थे उनको ओपन कर दिया। जी, और फिर एक ऐड आ गया। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं और मुझे दिखाया जा रहा है कि आप फिर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। मतलब इसको बार बार एडवर्टाइजिंग दिखा जा रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मतलब इस चक्कर में आप पड़ जाते हैं आलतू फालतू के चक्करों में। और ये जो वीडियो होते हैं, आपको बताना चाहूँगा, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है
जिनके जरिए आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो आपकी वीडियो को जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां रहते हैं, तो मतलब गलत अगर एक्टिविटी में रहते हैं तो उनकी गलत एप्लीकेशन रहती है जो, और उनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है और इसी तरह से गलत उपयोग में ले लेता है उनको। तो आप ऐसी कभी भी गलती ना करें, इस तरह की एप्लीकेशन का आपको कतई डाउनलोड नहीं करना है। इस एप्लीकेशन को हम फिलहाल अभी डिलीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ भी इस एप्लीकेशन से हुआ नहीं। इसके नाम से सैकड़ों एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे सैकड़ों एप्लीकेशन हैं, फ्री HD वीडियो डाउनलोडर, ये फोटो वीडियो मेकर, यहाँ पे मतलब किस किस नाम से एप्लीकेशन ये दिखाया जा रहा है। हालांकि जिस काम के लिए बताया गया था आपने देखा वो काम नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पे ओके बोल रहा है, तो हमने आपने एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ क्या उस काम का करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर से एक एरर आ गया, इस हम एड को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से वही एडवर्टाइजिंग में आने लगता है। तो आपको इस एप्लीकेशन को, ऐसे एप्लीकेशन को कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। और जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले बचें बहुत, और ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करना है क्योंकि इसी एप्लीकेशन में मॉलवेयर और हार्मफुल जो है आपके फ़ोन में वायरस भी घुस सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन को आपको कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऐड आते हैं, कितने गंदे गंदे ऐड आते हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचना है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद एंड वंदे मातरम।